अनुराग, कुर्ता अच्छा लग रहा है अनुराग का, इसलिए मैंने शर्ट पहनी हुई है। चलिए खैर, ये तो मजाक था, हम लोग कैसे लग रहे हैं वो हम लोग डिस्कस करने नहीं आए। निमसेट के एक महीना बचा हुआ है और अनुराग, जैसा कि पहले मावला क्लासेस के स्टूडेंट भी रह चुके हैं, आईआईटी रुड़की से इन्होंने एमसीए किया हुआ है और यहाँ के मेंटर भी हैं। हमारा उद्देश्य ये भी नहीं है कि कोचिंग को अप्रिसिएट किया जाए या किसी कोचिंग को हम लोग क्रिटिसाइज करें। उन सारे स्टूडेंट्स को हम लोग टारगेट करेंगे जो स्टूडेंट्स के पास एक महीना है और उनका सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम निमसेट, जिसके लिए वो फोकस कर रहे हैं। एक महीने में वो क्या करें कि अपने एफर्ट्स को वो पॉजिटिव वे में ले जाएं और अच्छी रैंक लेके आए। इन सारी चीजों पर बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। अनुराग पूरी प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। अनुराग पहले अपने बारे में आप एक बार ब्रीफ इंट्रो दे दें। थैंक यू जी। अनुराग, मेरा नाम अनुराग मिश्रा है और मैं अमित सर से 2011-12 बैच में, यहाँ का मैं स्टूडेंट रहा हूँ। 2012-15 बैच आईआईटी रुड़की से मैंने एमसीए पास आउट किया है। और आगे की चर्चा ना करते हुए, हम लोग जिस उद्देश्य से आज यहाँ पे आए हुए हैं, इस सेमिनार को आगे बढ़ाते हुए, मैं 2018 के निमसेट के पूरे पैटर्न के बारे में, क्या क्या हम लोगों की लास्ट 30 डेज की प्लानिंग होनी चाहिए, किन एरियाज पे हमको ज़्यादा फोकस करना चाहिए या कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, लास्ट 30 डेज का मोटिव पूरा यही होना चाहिए कि कितना कम इनपुट में हमको मैक्सिमम आउटपुट मिले। अच्छा अनुराग, एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करना चाहेंगे, एक महीना क्या आपको लगता है कि सफिशियंट है एक बच्चे के लिए जिसने बिल्कुल अभी शुरुआत नहीं की है या किसी ग्रेजुएशन का बीसीए या बीएससी का एग्ज़ाम दे चुका है और वो चाहता है कि वो तैयारी करे बट उसका कैचिंग पावर ठीक है, तो उसको तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप क्या मानते हैं? देखिए, इस तैयारी में लगभग पिछले एक वर्ष से जो भी स्टूडेंट है, तो इस बात में कहने का कोई भी डाउट नहीं होगा कि उसने हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ा। लेकिन यदि कोई लास्ट के एक मंथ में इसको पूरा क्लियर करना चाहता है एग्जाम को, तो उसको अपने एफर्ट्स को ज़्यादा देना होगा, क्योंकि इसका पेपर का पैटर्न जो है मैथमेटिक्स में 10+2 का लेवल का है, जो कि हम लोग पहले से पढ़ चुके होते हैं। तो क्या केवल 30 दिन में ये कहना गलत नहीं होगा कि हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन उसको नंबर ऑफ आवर्स डेली में लगभग 14-15 आवर्स डेली की स्ट्रेटजी में उसको देने ही पड़ेंगे। पॉसिबिलिटी है, हाँ पॉसिबिलिटी, वो अच्छा कर सकता है। अब उसने अगर तैयारी शुरू की तो सबसे पहली बात आती है कि वो किन सारी चीजों को वो ले, मेटीरियल किन बुक्स को फॉलो करे, सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट पे वो ध्यान दें और कैसे ध्यान दें। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं मैथ्स पे, कि मैथ्स पे वो कितना ध्यान दें और किन टॉपिक्स पे वो ज्यादा ध्यान दें। निमसेट में सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट में सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स में 50 क्वेश्चंस निमसेट में आते हैं। अगर मेरे अनुसार देखा जाए तो मैथमेटिक्स के जो कोर एरिया हैं उनको चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन लास्ट स्ट्रेटजी के अनुसार सबसे पहले हम लोगों को कैलकुलस को फिनिश करना चाहिए, उसके बाद अलजेब्रा का पोर्शन, उसके बाद कोऑर्डिनेट का पोर्शन और सबसे लास्ट में ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन करना चाहिए। पिछले अगर 5 से 7 वर्षों के पेपर्स को हम लोग देखें और उनका एनालिसिस करें, तो इस बात का बिल्कुल हम लोगों को क्लियर कट एक व्यू मिल जाएगा कि लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैलकुलस के पोर्शन के और अलजेब्रा के पोर्शन के सबसे ज्यादा पूछे गए। हाँ, तो आप पहले ये डिसाइड कर लें कि पेपर को देखें और पेपर में ये निकाल के एनालिसिस लेके आए कि किस एरिया के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है मैथ्स में। अब आपको उन एरियाज में परफेक्शन हासिल करना ही कैसे भी, बिना परफेक्शन के पॉसिबल नहीं है। जैसा कि वेटेज के बारे में आप भी जान लें कि मैथ्स का वेटेज सबसे ज्यादा होता है, तो आपको सबसे ज्यादा स्कोर मैथ्स में करना ही पड़ेगा। अनुराग ने बोला कि जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उन टॉपिक्स को आपको ध्यान देना। अब बात आती है कि मैथ्स को ध्यान दे रहा है, टॉपिक्स वाइज वो ध्यान दें, मतलब पहले अलजेब्रा को वो 3 दिन करें, 4 दिन करें या डेली कुछ ऐसा प्लान बनाए, तो आप किसको फेवर करते हैं, किस तरीके से वो जाए वो इसमें
30 डेज में वो किस तरीके से मैथ्स को कंप्लीट करे। ये तैयारी के दोनों ही तरीके अच्छे हैं, लेकिन अच्छा ये रहेगा कि यदि व्यक्ति अपने सभी टॉपिक्स को डेज में डिवाइड कर ले। सपोज अगर उसे कैलकुलस को फिनिश करना है तो वो पहले से ये स्ट्रेटजी बना के रखे कि मुझे 4 to 5 डेज में कंप्लीट कैलकुलस को कवर अप करना है। साथ ही जब भी हम कैलकुलस कवर कर रहे हैं या जिस किसी भी टॉपिक को कर रहे हैं उसके रिलेटेड मॉक टेस्ट, जो कि आप आज के समय में चूंकि इंटरनेट का जमाना है किसी भी ट्रस्टेड वेबसाइट से ऑनलाइन पोर्टल से आप उन क्वेश्चंस को डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको अच्छी कोचिंग से किसी भी मटेरियल आपको मार्केट में भी अवेलेबल है। तो यदि आप कैलकुलस को लगाते हैं 4 to 5 डेज तो आपको लगभग 500 to 600 क्वेश्चन साथ में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट का मतलब निम्सेट के पेपर से मिलते जुलते पैटर्न से रिलेटेड कुछ पेपर या उस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे कैलकुलस, तो उसको कैलकुलस से रिलेटेड टेस्ट देने की जरूरत है उस समय, या निम्सेट का पैटर्न है उसके टेस्ट देने की जरूरत है? नहीं, निम्सेट के पैटर्न में कैलकुलस के जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो पहला पार्ट यदि हमने 4 to 5 डेज में कैलकुलस को खत्म किया है तो केवल कैलकुलस के क्वेश्चन के। अच्छा, अनुराग सर का कहने का मीन्स ये है कि आप जब कैलकुलस का रिविजन कर रहे हैं तो आपको अपनी परफॉर्मेंस, किस दिशा में आप जा रही परफॉर्मेंस, उसके लिए आपको टेस्ट का भी सहारा लेना पड़ेगा। या तो आप किसी कोचिंग से रिलेटेड है तो वहां के टेस्ट आप कलेक्ट करिए दीजिए, या नेट से भी आप इंटरनेट पे डाउनलोड करके दे सकते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ निम्सेट के पेपर्स लगाने की अभी जरूरत नहीं है? नहीं, पेपर के वैसे तो सबसे पहले तो पेपर के पैटर्न को तो जान लेना बहुत जरूरी है, और स्ट्रेटजी से सबसे पहले आपको ये पेपर सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आखिर पेपर के क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट दिनों में आप ऐसे किसी भी पैटर्न पे टाइम को वेस्ट ना करें जिनके क्वेश्चंस नहीं आते। तो पेपर सबसे पहले आप देखिएगा, उसके बाद ही आप अपनी स्टार्ट कीजिए। पेपर के एनालिसिस आप कर लीजिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं और सेक्शन किस सेक्शन से क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहे हैं, उसी तरीके पर आपको फोकस करना है। अब मैथ्स की बात हो गई, मैथ्स के बाद कंप्यूटर का भी वेटेज मैथ्स के बाद दिया जा रहा है, 8 नंबर का आ रहा है और 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप कितना इंपॉर्टेंट मानते हो, किस तरीके से तैयारी करेंगे? क्योंकि कोई परफेक्ट बुक नहीं है, लगता है कोई परफेक्ट बुक नहीं है, तो मटेरियल के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो आप बताएं कि किस तरीके से फॉलो करें। देखिए, मैथ्स के बाद अगर हम लोग कंप्यूटर की बात करें तो पिछले 3 to 4 ईयर्स के पेपर्स को आप देखें तो कुछ ऐसे टॉपिक्स निकल के आते हैं कंप्यूटर से जिनसे डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं। अगर हम लोग नंबर सिस्टम की बात करें, बूलियन अलजेब्रा की बात करें, लॉजिक गेट्स की बात करें, तो ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आउट ऑफ 10 आप 7 to 8 क्वेश्चंस कर सकते हैं। 10 of 10 करने के लिए आपको इफर्ट ज़्यादा देना होगा। तो लास्ट समय में सबसे पहले मेरा यही कहना होगा कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को श्योर करें, ना कि कंप्लीट टॉपिक को। अगर आपको लगता है कि आउट ऑफ 120 आप 80 to 90 क्वेश्चंस के मार्क्स आपके पास आ रहे हैं तो आप सेफ सेफ होते हैं। और एक बात बताते हैं कि अनुराग का एक चीज का परफेक्शन है कि वो हमेशा चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद ही चीज़ें करते हैं। यहाँ पर जिन बच्चों के इंटरेक्शन में भी हैं तो हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि पेपर का एनालिसिस करें, सर्च करें कि कौन से क्वेश्चन या किस एरिया के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कंप्यूटर में किस एरिया, उन्होंने 3 टॉपिक के नाम लिए थे कंप्यूटर में भी, उसके क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, तो आपको उसी तरीके से मिलते जुलते क्वेश्चन को करना है। बहुत ज़्यादा कंप्यूटर के बहुत ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। उसके बाद आता है लॉजिकल पोर्शन, 40 क्वेश्चन आते हैं, ये भी एक मेजर पोर्शन है। पजल बहुत कभी कभी ढेर सारी आ जाती है, कभी कभी सिलॉग आ जाती है। एक बार हमें याद है कि उससे पहले एक साल में सिलॉग बहुत आ गई, तो अनुराग से यही डिमांड होती थी कि आपको सिलॉग पढ़ानी है। तो ऐसा ये ट्रेंड सही है कि मतलब उससे पहले एक टाइप के टॉपिक, एक टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएं, बच्चे के अंदर वो एक मैंडेटरी बन जाती है इस बार भी ऐसा ही आना है, तो ऐसे ही आता है या मतलब वो सारी चीजों पे ध्यान दें, एक ओवरऑल एरिना पे ध्यान दें, आप इसको फेवर करें? जैसा आपने बताया कि वो निम्सेट 2011 पेपर था जिसमें कि स्लॉग के अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस थे, क्योंकि स्लॉग में जनरली 2 statements या 3 statements के क्वेश्चंस रहते हैं, बट उस पर्टिकुलर ईयर में 4 statements के क्वेश्चंस थे। तो अगर पहली बात तो आप किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो उसके जनरल कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझें, उसके बाद यदि कोई एक्सेप्शनल 1 या 2 क्वेश्चंस आए हैं तो मेरा भी मानना होगा कि इस कम समय में उन एक्सेप्शनल क्वेश्चंस को ज्यादा करने की कोशिश ना करें। यदि आपके पास समय रहे तो
तो बिल्कुल उनको करें, वो कहीं ना कहीं आपकी रैंक को ऊपर उठाने में मदद करेंगे। लेकिन पहले आपको लगभग, जैसा कि पिछले 3 से 4 वर्षों में देखा गया है कि 450 प्लस मार्क्स अगर आपके पास हैं तो आप एक सेफ जोन में हैं, और अगर आपको टॉप 10 में लाने की है तो आपको मिनिमम 650 मार्क्स लाने पड़ेंगे। अच्छा अनुराग, एक बात और हम बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमने ये घटते हुए देखा भी है, अब मेरे फ्रेंड्स के साथ भी ऐसा हुआ था। जैसे कि हमेशा कहा जाता है कि एमसीए में हर जगह मैथ्स का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है, बट लास्ट में क्या करते हैं कि जब एग्जाम देने जब बच्चे जाते हैं तो वो रीजनिंग सेक्शन को खोल देते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि पजल आ जाती है, उस पजल में वो फंस जाते हैं। तो देखा गया कि बाद में वो कहते हैं कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया, हम मैथ्स के या बाकी एरिया के क्वेश्चन कर सकते थे। तो आप इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे, बच्चों को बोलना चाहेंगे कि इस तरीके की स्ट्रेटजी सही है या गलत हो सकती है उनके लिए, अनफेवर में जा सकते? अगर पेपर में आपको सबसे पहले वो पोर्शन करना है जिसमें आपका सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है, अगर सपोज आपको मैथमेटिक्स में बिल्कुल श्योर है, आप मैथ्स को स्टार्ट करिए। बट कभी कभी ऐसे भी कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपसे नहीं लगेंगे। सपोज आपने मैथ के पोर्शन का पहला ही क्वेश्चन ऐसा आया जो आपसे नहीं हुआ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका कॉन्फिडेंस वहाँ पे खो दे। आप कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, आप ये मान के चलिए कि पेपर के आउट ऑफ 120 में लगभग 10% क्वेश्चन, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि 12 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं इनको टच करने के लिए आपको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनका मिथ है या जो भी है, वो कहते हैं कि हम पेपर को पीछे से ही खोल के करेंगे, आगे खोलते ही नहीं है। साइकोलॉजिकली उनका माइंडसेट है या वाकई में ऐसा होता कि मतलब वो आगे शुरुआत नहीं करेंगे, पीछे शुरुआत करेंगे? और हो सकता है कि उनके सेट में, कभी कभी क्या होता है कि किसी सेट में शुरुआत में ही क्वेश्चन टफ होते हैं और किसी सेट में बीच में क्वेश्चन ईजी होते हैं, तो पहले शुरुआत या लास्ट से करें या पहले स्कैन करें क्वेश्चन को? देखिए समय के अनुसार, तो इसीलिए मॉक टेस्ट का जो प्रोसेस है, आप चाहे कोचिंग में करिए चाहे ऑनलाइन पेपर दीजिए, अगर मॉक टेस्ट रखे जाते हैं 2 घंटे का, तो उसकी प्रैक्टिस का मेन मोटिव यही है कि आपको पेपर के समय किसी भी तरीके का हेजिटेशन ना हो, आप उन सारी चीज़ों से गुजर चुके हों जो पेपर के एनवायरमेंट में आपको डिफिकल्टी महसूस करा सकती है, कि नंबर ऑफ क्वेश्चन, स्पीड, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि फ्रेंड सर्किल में कि किसी का पेन वहाँ पे काम करना बंद कर देता है, न्यू पेन का यूज करना। तो इसीलिए आपको पिछले 1 वर्ष में, या जिन्होंने ऐसा नहीं किया लास्ट 30 डेज में करना चाहते हैं, तो डेली 1 मॉक टेस्ट इसीलिए उसी टाइम पे करें, ताकि उनको ये पता चले कि उस 2 घंटे के बीच में हमारे साथ क्या क्या डिफिकल्टीज हो सकती हैं, कि नंबर ऑफ क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहे, कोई क्वेश्चन बहुत टफ था उसमें मेरा टाइम ज्यादा लॉस हुआ, और लास्ट में आते आते मेरा टाइम खत्म हो गया और मैं कुछ 10 या 5 क्वेश्चन कर सकता था और मेरी रैंक बढ़ सकती है। तो इसी मिथ के लिए सबसे अच्छा होगा कि आप लगभग 50 to 60 मॉक टेस्ट जरूर दें, डेली 1 to 2 मॉक टेस्ट दें, तो आप इस प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसा कि अनुराग ने बताया कि टेस्ट देने का मतलब ये नहीं है कि टेस्ट से बहुत चीजें हम लोग नॉलेज हमारा या सब्जेक्ट पे पकड़ हो रही है, टेस्ट का मतलब बच्चा दूसरे तरीके से ले जाता है, उसे लगता है कि हम उससे सीख नहीं पा रहे हैं, अभी सारी चीजें हम पढ़ लें उसके बाद भी टेस्ट देंगे। टेस्ट का बिल्कुल कतई ये मतलब नहीं होता है, जैसा कि उन्होंने फोकस किया कि एक टेस्ट का एक साइकोलॉजिकली इफेक्ट होता है, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जो चीजें अनयूजुअल हो जाती हैं। जैसे कि एक बच्चे का मिथ है कि हम शुरुआत से ही पेपर करेंगे, जबकि पेपर बाद में सही था, या बबल फिल करना, या कभी कभी क्या होता है कि टिक करते चले जा रहे, बट आपने क्या जब आंसर शीट फिल की तो आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कौन से हम लोग बबल फिल कर चुके थे और कौन से मिस कर गए। तो जब आप बार बार उन सब चीजों से गुजरेंगे, लगातार 1 महीने से गुजरेंगे, तो आप वो सारी चीजों परफेक्शन आ जाएगी जो अनयूजुअली हो जाती है और आप उस पर रिग्रेट फील करते हैं। तो टेस्ट भी लगातार देते रहें, क्योंकि वो 2 घंटे का साइकोलॉजिकली इफेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको गुजरना पड़ेगा ही, और वो टेस्ट आपको देता रहेगा। अच्छा अब लास्ट वाले पोर्शन पे आते हैं, इंग्लिश पे 20 क्वेश्चन निम्सेट में आते हैं, इंग्लिश के वेटेज कम है, मगर बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं क्योंकि इंग्लिश से वो टच में हट चुके हैं और लास्ट में जाके वो इंग्लिश कर देते हैं, और फिर देखा जाता है कि जब वो पहले से ट्राई नहीं करते बाद में कर देते तो वो अनफेवर में चले जाते हैं, मतलब गलत हो जाते हैं। तो बिल्कुल ना करें, या जो पहले से ध्यान दिए रहे हैं, प्रैक्टिस करते आए हैं, वो छुएं, या 1 महीने में कुछ हो सकता है उनके लिए? 1 महीने में ऐसा नहीं कि आपको पेपर में इंग्लिश का पोर्शन नहीं देखना है, मॉक टेस्ट में आप 5 से 10 मिनट इस बात को सेव करके चलें कि इंग्लिश के पोर्शन पे हमको 5 मिनट का ध्यान देना है। आप इस बीच में ऐसा कर सकते हैं कि यदि आप लगभग 25 वोकैब डेली या जो भी मॉक टेस्ट में आप पूछे जा रहे हैं आपसे क्वेश्चंस हैं, यदि आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं
तो इंग्लिश के पोर्शंस के लगभग आपके पास 1000 से 2000 तक क्वेश्चंस पहुंच जाएंगे। यदि आप उन क्वेश्चंस को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को वहां पे देख सकते हैं कि लास्ट के 5 से 10 मिनट में यदि उनमें से कोई आता है तो आप करिए, अदरवाइज उस पे ज्यादा ना ही स्ट्रेस लेना जाए, टाइम उस पे वेस्ट नहीं करना। हाँ, तो इंग्लिश के बारे में आप पहले से डिसाइड कर लीजिए कि आप प्रैक्टिस जब करेंगे तभी आप वहां टच करिए जाके, रैंडमली वहां पे हिट मत करिए, वो आपके अनफेवर्ड में चले जाते हैं, बाद में रिग्रेट करते हैं। तो आपको पूरी प्रॉपर प्लानिंग आपको मेंटेन करनी है महीने भर में, किस तरीके से तैयारी करनी है, मैथ्स को टॉपिक वाइज आपको लेके जाना है, और रीजनिंग और कंप्यूटर पे भी ध्यान देना है, थोड़ा सा इंग्लिश पे आप ध्यान दे सकते हैं। तो ये हुआ आपका सिलेबस, कि सिलेबस को आपको किस तरीके से लेके जाना है। अब आपका एक महीना है, आप सिलेबस जान चुके हैं किस तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है। अब आती है बारी कि बच्चा लास्ट की एग्जाम के टाइम पर 2-3 दिन बचते हैं, तो उस समय वो रिलैक्स रहे, थोड़ा सा चिल रहे, बोलते हैं कि ज्यादा प्रेशर ना ले, या लास्ट में भी पढ़ाई करे, आपका क्या मानना है? ठीक है, लास्ट 5 डेज में मेरा यही कहना होगा कि जितना आपने किया है उसके आप शॉर्ट नोट्स तैयार करिए, साथ साथ पैरेलली आपने किसी भी टीचर या किसी भी पोर्टल को फॉलो किया है तो जो भी नोट्स आपको पढ़ाए गए, साथ ही आपका एक पैरेलल नोट्स जरूर होना चाहिए जिसको आप रिवाइज कर सकते हैं, जो आपकी हैंड राइटिंग का, क्योंकि उसी से आपका कॉन्फिडेंस। पैरेलल का मतलब नहीं समझ पाएंगे, पैरेलल का मतलब है यदि किसी भी जगह आपने कोई मैथ्स का, सपोज आपने बुक मैथ्स की आर डी शर्मा को फॉलो किया, आर डी शर्मा से आपने पर्टिकुलर कोई भी एक टॉपिक को लगाया, सपोज आपने इनडेफिनेट इंटीग्रल को लगाया, आपको लगाने के बाद जो क्वेश्चन उसमें इंपॉर्टेंट लगे, कौन कौन सी ट्रिक्स निकल सकती थी क्वेश्चन प्रैक्टिस की, नोट्स की पॉइंट्स जो होते हैं, आप वो उनको एक पेज में शॉर्ट आउट करते रहिए। अच्छा ये रहेगा कि डेली उस पेज का रिवीजन जरूर करें, लास्ट में सबसे ज्यादा आपने जितना रिकॉल कर पाएंगे पेपर में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि आपने कितना पढ़ा पिछले। यदि आपने अपनी चीजों को रिकॉल नहीं कर पाया तो शायद आप पेपर में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर। अनुराग कहना चाह रहे हैं कि अगर आपकी पहले से आदत रही है पूरे साल भर कि आप कभी भी आप किसी लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं तो आप पहले से उसके की नोट्स प्रिपेयर करते जा रहे हैं, या आप नहीं कर पाए तो अब ये महीना लास्ट महीने में आप तैयारी कर रहे हैं, तो जब आज से आप शुरू करेंगे तो आप उसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस, कुछ की पॉइंट्स नोट करते जाएं। अब आपको क्या करना क्या है कि लास्ट में जो 5 या 6 दिन बचते हैं तो आपको वो की नोट्स जरूर रिवाइज करने हैं, जिससे आप स्ट्रेस से भी बचेंगे, ओवरहेड जो हो जाता है उससे भी बचेंगे, और सारी चीजें रिवाइज भी हो पाएंगी। तो एक जो गलत आदत अगर आपने करके रखी थी, पहले से ये काम नहीं करते थे, तो महीने भर में ये जरूर करना है। और मैं इस बात को गारंटी लेता हूँ कि अनुराग की एग्जाम पे प्लानिंग, भाई इन्होंने बहुत अच्छी रैंक भी दी थी आईआईटी में, अनुराग खुद बताएं आईआईटी में मेरी 11th रैंक, 11th रैंक आईआईटी जैम जब हुआ करता था एग्जाम, तो एमसीए के टॉप लेवल के एग्जाम में से काउंट किया जाता था, 11th रैंक अचीव करना एक बड़ा अचीवमेंट मैं मानता हूँ, और ये सारी प्लानिंग पे ही डिपेंड करता है, तो आप इस बात को जरूर ध्यान दें। अच्छा अनुराग एक और बात, ज्यादातर बच्चे, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि कितना स्कोर करें वो, जैसे कि वो अपने आप को सेफ मान चले, तो स्कोर कितना करना चाहिए जिससे कि वो टॉप 5 एनआईटी, या अगर टॉप त्रिची को 4 है तो उसमें वो कितना करें, किस तरीके से वो सेफ हो जाए? देखिए अगर आपके 450 या उससे प्लस में मार्क्स हैं तो आप टॉप 5 एनआईटीज के लिए एलिजिबल हैं, और अगर आपका टारगेट त्रिची है तो लगभग 550 मार्क्स, जैसा कि पिछले 3 से 4 वर्षों में यहाँ के रिजल्ट्स से देखा गया है 530-534 मार्क्स वालों को टॉप 10 या टॉप 20 की रैंक मिली है। टॉप 10 के लिए तो मैं कहूँगा कि आपको 600 प्लस मार्क्स ही लाने, 10 मार्क्स आने, कभी कभी होता है पेपर थोड़ा वेरी कर जाता है तो 650 के अराउंड भी चला जाता है, तो बट एक सेफ जोन माने कि 500-600 के करीब अगर आप एक सेफ जोन में रहना चाहते हो तो आप टारगेट करें। और फिर ऐसा कोई बाउंडेशन भी नहीं कि कुछ लोग बच्चे बोलते हैं कि पहले से हमें बाउंड कर दिया गया था, लोगों ने बोला था कि हमें 700 या 600 तक ही जाना, पेपर ईजी आ गया, तो कहते हैं हम ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करते और नहीं किया हमने, तो वहां पर रन टाइम पर एग्जाम अगर आ जाता ईजी होता है वो करते चले जा रहे तो उनको रुक जाना चाहिए, कर देना चाहिए? नहीं, पेपर को करना चाहिए, इसीलिए जो उन्होंने सबसे पहले स्ट्रेटजी मॉक टेस्ट की डिसाइड की है कि मॉक टेस्ट में कई बार आपको ऐसा रहेगा कि एक कंटिन्यूअसली आपका रिजल्ट उसमें नहीं आएगा, कभी आप आउट ऑफ 120 में 100 भी करेंगे,
पेपर का पैटर्न ऐसा भी होगा कभी आप 70 ही कर पाएंगे, तो वो ये तरीका आपको वहां पे डेवलप हो जाएगा। पिछले एक महीने में जब आप पेपर्स को दे रहे हो, जैसा कि डेट 27 मई है 2018 की निमसेट की, तो पिछले एक महीने में जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो आप इस चीज से गुजर चुके होंगे कि लगभग आपको 100 क्वेश्चंस करें, 110 क्वेश्चन करें, तो शायद पहले से आपको ये फिक्स नहीं करना है कि हमको कितने क्वेश्चंस करने हैं। आप जहां तक क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं, रॉन्ग क्वेश्चन से आप बचे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में कई बार ऐसा होता है कि आपके कुछ क्वेश्चन गलत होने से आप काफी नीचे रैंक आ जाती है। हाँ, तो इस टाइप का परसेप्शन नहीं बनाना है आपको कि पिछली बार रैंक कहाँ पे रही थी। एक एक्सपेक्टेड, हम लोग एनालिसिस के बेसिस पे बोल रहे हैं कि ऐसा अभी तक होता हुआ आया है, तो आपको इस तरीके से एक टारगेट सेट करना है। बट वहां पर रन टाइम पे एग्जाम कैसा आ रहा है आपका, अगर पूरा पूरा आप एग्जाम के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, आप नियर अबाउट जो हमारी परसेप्शन से उससे ऊपर भी निकल रहे हैं, तो आपको कर देना है वहां पे, वहां पे आपको रुकना नहीं है। बाकी कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे कि हमें 600+ टारगेट करने हैं। एक बार याद है कि एमएनआईटी इलाहाबाद ने एग्जाम कंडक्ट कराया तो बहुत टफ था मेरे टाइम पर, तो बहुत सारे बच्चों ने बहुत कम कर पाया था, तो गलती उन्होंने की कि उन्होंने उस परसेप्शन के चक्कर में क्वेश्चन जबरदस्ती अटेम्प्ट कर दिए, जबकि हुआ क्या कि बाकी वो पेपर टफ था। तो हो सकता है कि पेपर जो यूजुअल पैटर्न है उससे थोड़ा सा बियॉन्ड थोड़ा हट जाए, तो आपको रन टाइम पर इतना अलर्ट रहना है कि नेचुरल चीजें ही करनी है, जबरदस्ती इम्पोज नहीं करना है। आप इस चीज को किस तरीके से ले रहे हैं? हाँ, मेरी राय में ऐसा रहेगा कि पेपर देते समय आपको ये बात पैटर्न, जब पिछले एक महीने से आपने इस पैटर्न को फॉलो किया होगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन उसमें पूछे गए। यदि पेपर इजी है तो उसमें कहने में कोई डाउट नहीं है कि कट ऑफ हाई रहेगा, और पेपर हार्ड है तो कट ऑफ डाउन हो जाएगा। ये प्रिडिक्ट करना कि देखिए यदि आपने पढ़ाई की है पिछले एक वर्ष में या एक महीने की स्ट्रेटजी को फॉलो किया है, तो डेफिनेटली क्वेश्चंस आपसे वहां पे निकलेंगे। तो जब आपसे क्वेश्चंस वहां पे आप कर रहे होंगे तो आपको इस बात का अंदाज लग जाएगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमको कहां तक करने चाहिए। आप ये बिल्कुल पहले से ना प्रेडिक्ट करके चलिए कि मैं अगर मेरे मार्क्स 450 आ रहे हैं, या केवल चूंकि मैथ का वेटेज सबसे ज्यादा है, आपने मैथ के क्वेश्चन इतने कर दिए, आप लगता है कि मैं 450 मार्क्स सिक्योर कर सकता हूं, तो मुझे आगे करने की जरूरत नहीं है, तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी फिर रैंक लूज हो जाएगी। अच्छा, अब वो सारे स्टूडेंट जो पहले से तैयारी करते हुए आ रहे हैं, पूरी साल लगातार उन्होंने प्रयास किया है, और लास्ट में कहने लगते हैं कि वो ऊब रहे हैं, चाहते हैं एग्जाम जल्दी हो जाए, मई सबसे लास्ट पहुंच जाता है, तो अब किस तरीके से अपने आप को पेस को मेंटेन रखे, आईपीएल चल रहा है, ठीक है, वो अपने आप मन को कंट्रोल करते रहते हैं, तो किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करें कि मतलब उनका जोश जो है वो धीमे धीमे स्लो ना पड़े, और प्रेशर डिप्रेशन धीमे धीमे हावी हो रहा होता है, बाकी लोग घूम फिर रहे होते हैं, छुट्टियां हो रही होती हैं, तो किस तरीके से मैनेज करें वो? ऐसे में सबसे अच्छा होगा कि आपका 3 से 4 फ्रेंड का एक सर्किल हो जिसमें आप मिलकर पढ़ाई कर सकते हैं। यदि आप देखिए अकेले रहेंगे तो उसमें कोई भी डाउट नहीं कि चूंकि इंटरनेट सभी के मोबाइलों में आजकल होता है, और जियो की ये सुविधा है कि आपको मैच देखना या कुछ भी करना, सर्चिंग करना, चाहे वो किसी भी तरीके की हो, आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका सर्किल है 4 to 5 फ्रेंड का, तो हो सकता है कि आप अकेले कोई भी चीज अपनी मर्जी से नहीं कर पाएंगे। हाँ, सर्किल इस तरीके का ना हो कि 5 के 5 फ्रेंड से चाहते हो कि चलो आज हम लोग मस्ती करते हैं, तो शायद फिर आप निमसेट से दूर हट जाएंगे। हाँ, तो आपको कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि इम्पोर्टेंट एग्जाम है, उसको आपको ही क्रैक करना है, आपकी रैंक, आपका अचीवमेंट, ये बाद में अप्रिसिएशन के तौर पर आएगा, एक अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा, तो आपको कंट्रोल बना के रखना है और एग्जाम को क्रैक करना ही है, अच्छी रैंक लगानी है अगर आपने पूरी साल मेहनत की है। अच्छा, और कोई ऐसी बात, क्योंकि हम लोग कंक्लूजन राउंड पे हैं, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज जो हम लोग यहाँ पे ना डिस्कस कर पाए हों और मिस कर रहे हो? लगभग सारे एरियाज पे हम लोगों ने बातचीत कर ली। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में स्ट्रेटजी के लिए बताया था कि सर की बात का एक रिप्लाई किया, तो उसको मैं बस थोड़ा सा मॉडिफाई इतना करना चाहूंगा कि लास्ट अगर आप 30 डेज के लिए पढ़ रहे हैं तो लगभग आप 21 या 22 डेज को इस बात पे डिस्क्राइब कर लीजिएगा कि मुझे लगभग मैथमेटिक्स के जो मैंने 4 टॉपिक बताए थे, कैलकुलस में आप दे दीजिएगा लगभग 4 to 5 डेज, फिर आप एलजेब्रा को लगिए लगभग 4 डेज, देन कोऑर्डिनेट 3 डेज, और ट्रिग्नोमेट्री को 1 डेज, मतलब ये पूरा होल टॉपिक आपका होना चाहिए 14 डेज का, फिर आपका रीजनिंग और अर्थमेटिक, क्वांट जिस पोर्शन को बोलते हैं
उनको मिला के दोनों टॉपिक को मिला के 5 days लगभग 19 days और 1 day के लिए आपको देना है पूरा कंप्यूटर, तो ये 20 days आपके होने चाहिए। साथ में पूरे दिन जब आप एक टॉपिक को कर रहे हैं लगभग 10 से 12 घंटे, तो यदि आपको अपना माइंड को थोड़ा सा भी रिलैक्स देना है तो साथ में आप जो जो मैंने वोकैब के लिए बताया था लगभग 20 से 22 वोकैब, और जब कभी आपको ऐसा लगे कि पढ़ते हुए स्ट्रेस ज्यादा हो गई तो आप थोड़ा सा बस ब्रेक लेने के बाद एक मॉक जरूर लगाइए, दिन में 1 से 2 मॉक जरूर लगाते हुए चलिए पढ़ाई के साथ साथ, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं कि आपकी दिनचर्या कैसे रहे एग्जाम के टाइम पर। तो कुछ लोग कहते हैं कि रात में हम बहुत पढ़ाई करते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि हम रात में नहीं पढ़ पाते हैं, और कितने घंटे पढ़ाई की जाए इस टाइम पर, तो किस तरीके से वो अपने आप को मैनेज करें, अपने टाइम को कैसे मैनेज करें? टाइम मैनेजमेंट में सबसे अच्छा ये होगा कि लास्ट में एग्जाम का टाइम 10 से 12 रहता है, तो अच्छा ये रहेगा कि आप 10 से 12 ही मॉक दें। तो यदि आप लेट नाइट तक पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, यदि आप सुबह उठकर आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि यदि व्यक्ति कोई भी स्टूडेंट नाइट में 2 o'clock 3 o'clock पर स्टडी कर रहा है तो वो 10 to 12 अपने पूरे माइंड को नहीं दे पाता है। तो अगर आप कोशिश करें कि नाइट में 12 o'clock 1 o'clock तक आप रेस्ट लें, और सबसे अच्छा होगा कि आप इस समय लास्ट के मंथ में 7 to 8 hours की स्लीप पूरी लें, और अच्छा रहेगा ना ही ज़्यादा घूमें वगैरह, खान पान पर भी आपको अच्छा ध्यान देना है कि किसी भी टेंशन में या स्ट्रेस में आप ऐसा ना करें कि लास्ट में आके आप किसी भी ऐसी प्रॉब्लम से गुजरे और आप एग्जाम में कभी गड़बड़ हो जाए। तो आपको अपने हेल्थ का भी बहुत ही ध्यान रखना। पेपर में रैंक लेना, अचीवमेंट लेना, ये एक हमारा अचीवमेंट होता है। डिप्रेशन में चले जाना, निगेटिविटी हावी हो जाना, ये एक अलग तरीका का वे है। हम लोग इस बात पे चर्चा नहीं कर रहे हैं कि आपको इतना स्ट्रेस ले लेना है कि आप डिप्रेशन में आ जाए। आपको प्रॉपर मैनेज करना है, 24 घंटों को कैसे डिवाइड करना है, प्रॉपर उसमें रेस्ट का भी होना चाहिए, आपका जो खान पान है उस पर भी ध्यान देना है, उसके साथ साथ पढ़ाई करनी है। और नर जैसे बोला कि आप अपनी पढ़ाई को रात या दिन में किसी तरीके से प्लान कर सकते हैं, बट एग्जाम का टाइम जो है वो 10 to 12 है दिन में, तो अब उस समय आपको एक्टिव रहना है क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा आपको एक्टिविटी, सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस देनी है। तो आप कर सकते हैं, और ज्यादातर आपको अब पढ़ाई पर ही फोकस करना है, बाकी आपको रेस्ट पे और थोड़ा बहुत अपने थोड़ा जो आपका हॉबी है उस पर आप थोड़ा समय दे सकते हैं। 1 महीने बाद तो आपको आराम करनी है, बट ज्यादा डिप्रेशन में नहीं जाना है, ज्यादा नेगेटिविटी हावी ना हो जाए, इस बात से आप बचें। ठीक है अनुराग, बहुत अच्छा रहा ये सेशन, और अनुराग जैसा कि हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, उनारे स्टूडेंट में हम लोग काउंट करते हैं, शुरुआत के स्टूडेंट थे, यहाँ पे प्रॉपर मेंटर भी हैं। और एक बात और बोलेंगे कि अनुराग निष्पक्षता के साथ क्रिटिसाइज भी चीजों को करते हैं, अगर कोई बात सही नहीं हो रही है, बाइसनेस नहीं रहती है। उद्देश्य हमारा ये रहता है कि चीजें सही हो, भले वो किसी की हो, तो इन्होंने अपनी बात रखी, इसमें कोई भी बाइसनेस नहीं थी, और हमारा उद्देश्य भी नहीं है कि कोचिंग या इन सब चीजों को अप्रिशिएट किया जाए। इस वीडियो या इस सेशन का उद्देश्य ये था कि जो बच्चे जो हम लोग के टच में नहीं है, अगर वो लास्ट में तैयारी कर रहे हैं एग्जाम देने के बाद भी, अभी भी आपके पास समय है कि अगर अभी 1 महीने अच्छे से तैयारी करते हैं, और ज्यादातर देखा गया अनुराग कि जो अपेयरिंग के स्टूडेंट होते हैं हर बार उनके रिजल्ट अच्छे निकलते हैं, तो जो बच्चे अपेयरिंग के हैं अगर उनके पास 1 महीना है, वो अगर ठीक ठाक तरीके से अगर तैयारी करके ले गए तो रैंक 100% लग सकती है, बहुत ज्यादा टफ एग्जाम नहीं है। हाँ, निमसेट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अनुराग आप इस बात को तो मानते हो कि निमसेट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हाँ, प्रेजेंट टाइम में एमसीए के लिए सबसे बेस्ट है तो वो निमसेट ही है। अनुराग को स्पेशली थैंक्स इस सेशन के लिए जो प्लान किया, अगर कोई भी कोई टॉपिक्स या कोई चीज अगर हम लोग मिस कर गए हो, आप कमेंट्स के थ्रू या किसी तरीके से आप हम लोग को अगर पहुंचा पाते हैं अपनी क्वेरीज को, तो जरूर हम लोग उसकी रिटर्न में कुछ ना कुछ प्रॉपर सोल्यूशन लेके आएंगे, और 1 महीने में जो भी रिक्वायरमेंट है, अगर लगता है कि कुछ हम लोग हेल्प कर सकते हैं, तो आप निष्पक्षता के साथ आप चीजों को रखें हमारे पास किसी भी मीडियम से, बहुत सारे मीडियम ये पता होगा आपको, हम लोग कोशिश करेंगे कि जो बच्चे हमारे टच में नहीं भी हैं, जो कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, उनको भी कुछ अच्छा दिया जाए, कुछ किया जाए उनके लिए। अनुराग लास्ट में आप कंक्लूड कर दीजिए कि इस महीने की जो भी है, जिससे कि लास्ट में कुछ अच्छा निकल गया उनके लिए, या कोई मैसेज।
लास्ट में मैं इतना ही कहूंगा कि आपने जो भी पढ़ा हुआ है उसका प्रॉपर रिवीजन जरूर करें, रिवीजन, क्योंकि आप सब कुछ अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर चीजों को रिवाइज नहीं कर रहे हैं किसी भी टॉपिक को, तो शायद आप बेहतर नहीं कर पाए। चलिए, और आपको थैंक यू, थैंक्स स्पेशली, और आप लोगों को भी बहुत प्यार ढेर सारा, और अच्छे से तैयारी करें, अच्छा रैंक मारें।